हे गाइस, माय नेम इज रोशनी शुक्ला, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग लाई हूँ मिंत्रा हॉल। आपको पता ही होगा मिंत्रा पे 11 से 17 जून तक सेल चल रही थी, जिसमें आपको 80-90% डिस्काउंट मिल रहा था। काफी सारी चीजों पे काफी अच्छे डिस्काउंट थे। मैंने सेल से पहले भी मिंत्रा की एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने काफी सारी ड्रेसेस, टॉप्स और कुछ आइटम्स आपके साथ शेयर करे थे। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप मेरे प्रोफाइल पे जाके भी चेक कर सकते हैं। आज का जो मिंत्रा हॉल होने वाला है वो बॉटम वेयर हॉल होने वाला है, जिसमें मैंने मिंत्रा से काफी सारी जीन्स परचेज करी है अलग अलग स्टाइल की। मैंने ज्यादातर सारे स्टाइल कवर करने की कोशिश की है। अगर आप नॉर्मल चाहते हैं या फिर कुछ हटके चाहते हैं, ये सारी चीजों का ध्यान रखा है मैंने। जो भी बॉटम वेयर परचेज किए हैं हर किसी के साथ बहुत अच्छे से चले जाएंगे। सारी जीन्स काफी अच्छी है, काफी रीजनेबल प्राइस में है और उनकी क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं, आपको जरूर पसंद आएगा। जो भी मैंने जीन्स सेल में परचेज करी थी वो मुझे 600-700 इसके अंडर ही पड़ी थी, लेकिन अभी सेल खत्म हो गई है तो वो आपको थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मिंत्रा की सेल आती रहती है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं और उस सेल में परचेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि अगली सेल आने से पहले मैं आपके साथ जल्द से जल्द वीडियो शेयर कर सकूं, ताकि आप उसी में परचेज कर सकें। बट जो भी मैंने इस बार मिंत्रा से जीन्स परचेज करी है वो आपको जरूर पसंद आएंगे। आपको एक बात होती है कि अगर कोई चीज पसंद आती है तो उसका प्राइस नजर नहीं आता है, ये चीजें वैसी ही हैं, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो अब बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने दो टॉप परचेज करी थी। मैं जीन्स परचेज कर रही थी तो मैंने सोचा एक दो टॉप भी परचेज कर लिया जाए, आपको इस वीडियो में मैं दिखा देती हूँ। मैंने ये दोनों टॉप 200-300 में परचेज करी है, काफी रीजनेबल प्राइस में मिल गया था। इसकी क्वालिटी और इसका मटेरियल और जिसका डिजाइन है वो काफी ज्यादा प्यारा है, आपको जरूर पसंद आएगी। प्राइस मैं आपको सेल प्राइस और एक्जैक्टली जो प्राइस अभी चल रहा है वो भी बता दूंगी। और जो मैंने मिंत्रा से टॉप परचेज करी है वो ये पिंक कलर की क्यूट सी टॉप है, क्रॉप टॉप, और जिसमें ये नेट का इस तरह से फ्लावर्स बना हुआ है, ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है। आप देख सकते हैं इस तरह के फ्लावर्स बने हुए हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। इसमें आपको 3 कलर्स मिल जाएंगे, एक तो पिंक था, ब्लैक था और व्हाइट था, उसमें भी इसी तरह के फ्लावर्स बने हुए थे, काफी ज्यादा प्रिटी लग रहा था मुझे। और ये क्रॉप टॉप में है तो ये आपके फिगर को काफी अच्छा लुक देता है। ये पिंक काफी अच्छा कलर है, इसका जो मटेरियल है वो कॉटन मटेरियल है। मैंने इसे स्मॉल साइज में ऑर्डर किया था, इसमें आपको और भी साइज मिल जाएंगे। ये वाली टॉप मुझे काफी ज्यादा पसंद आई क्योंकि इसमें ये जो ब्लैक कलर का फ्लावर्स बना हुआ है ये काफी अट्रैक्ट कर रहा है। मुझे ऐसी टॉप पसंद है जो एकदम सिंपल हो बट कुछ कुछ ऐसा पैटर्न हो जो एकदम डिफरेंट बनाता हो नॉर्मल टॉप से। अगर आप भी कोई ऐसी टॉप पहनना चाहते हैं जो नॉर्मल टॉप से बिल्कुल डिफरेंट हो तो आप ये वाली टॉप परचेज कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह की क्रॉप टॉप में है, काफी अच्छा। इसके प्राइस के अकॉर्डिंग इसका मटेरियल काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आप ये टॉप मिंत्रा से परचेज करना चाहते हैं तो अभी आप जाके परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने सेकंड टॉप मिंत्रा से परचेज करी है, ये ऑरेंज कलर की टॉप है, ये मुझे काफी रीजनेबल प्राइस में मिली थी। आप यकीन नहीं करेंगे ये मुझे सेल में 200 में पड़ा था। इसका प्राइस अभी 300 समथिंग चल रहा है बट सेल में मुझे 200 में मिल गया था। इसका कलर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, जीन्स के ऊपर इस तरह की क्रॉप टॉप काफी ज्यादा अच्छी लगती है और इसका जो कलर है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। आप देख सकते हैं आपको कैमरे में रेड लग रहा होगा बट ये ऑरेंज कलर का है। ये ड्रेस पेरी का ब्रांड है, इनके ब्रांड के कपड़े काफी रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। अगर आप कोई कपड़े रीजनेबल प्राइस में और क्वालिटी वाइज अच्छा जाता है तो आप ड्रेस वेरी का परचेज कर सकते हैं। इनकी क्लॉथिंग आइटम मुझे काफी ज्यादा पसंद आते हैं क्योंकि रीजनेबल भी होते हैं और काफी अच्छी क्वालिटी में भी होते हैं। ये इस तरह के क्रॉप टॉप में है और इसकी जो स्लीव्स है वो इस तरह की दी गई है। स्लीव्स का मटेरियल भी काफी ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे धागे से यहाँ पे इस तरह का कुछ स्लीव्स दिया गया है जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसका जो मटेरियल है वो कॉटन मटेरियल है, समर्स के लिए काफी अच्छा है। समर्स में इस तरह की क्रॉप टॉप कॉटन मटेरियल में काफी अच्छी होती हैं और इसे मैंने स्मॉल साइज में मंगवाया था। इसमें आपको और भी काफी सारे साइजेस मिल जाएंगे, आप परचेज कर सकते हैं। इसमें एक ही कलर था। इस तरह का ये जो क्रिस क्रॉस डिजाइन दिया गया है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बट पहनने के बाद ये अच्छा लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। अगर आपको इस तरह के क्रिस क्रॉस डिजाइन नहीं पसंद है तो आप ड्रेस वेरी की और भी टॉप परचेज कर सकते हैं, वो भी काफी प्यारी होती है। बट मुझे इसलिए पसंद आई थी क्योंकि ये क्रॉप टॉप में और मुझे कुछ इस तरह की क्रॉप टॉप चाहिए थी जीन्स पे पहनने के लिए। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जीन्स। मैंने जितनी भी मिंत्रा से जीन्स परचेज करी है उस पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा है क्योंकि मैंने मिंत्रा से इतनी प्यारी जीन्स इतने रीजनेबल प्राइस में परचेज करी है। क्वालिटी वाइज नंबर वन, मटीरियल नंबर वन और प्राइस सबसे अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगा प्राइस, क्योंकि प्राइस इतना रीजनेबल है उसके साथ इतनी अच्छी क्वालिटी सब मिलना बहुत मुश्किल होता है। मिंत्रा की जीन्स मुझे पसंद आती हैं। अगर आप अच्छे से चूज करते हैं मिंत्रा पे जीन्स तो काफ़ी अच्छे रीजनेबल प्राइस में आपको जीन्स मिल जाती हैं। तो जो फर्स्ट जीन्स मैंने परचेज करी है वो कुछ इस तरह के डेनिम ब्लू कलर में है। इस तरह का कलर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलता है, ये कलर कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता।
क्योंकि ये कलर जो है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, इस तरह का डेनिम कलर है। वाली जो जीन्स है ये मुझे आई थिंक 600 या 500 में पड़ी है। इसका जो ये वाला डिज़ाइन है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, इस तरह का, ये वाइट कलर का, हल्का सा वाइट नहीं है, ये डेनिम में लाइट कलर नहीं होता उस तरह का, ये पूरा पैटर्न दिया गया है नीचे तक। इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, अगर आपने जो एकदम एंकल लेंथ तक जीन्स पहनना पसंद करते तो आपके लिए परफेक्ट है। मैंने हाई वेस्ट में ऑर्डर किया था, उसका जो साइज़ था वो स्मॉल साइज़ था। ये कुछ इस तरह की जीन्स है, इधर कोई पैटर्न नहीं दिया गया है बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी स्ट्रेचेबल है, इसका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपको उठने बैठने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी और काफ़ी स्ट्रेचेबल मटेरियल है जिसके कारण ये वाला भी ब्रांड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, टाइको टर्किश का। मैंने जो पहले ही मिंत्रा की वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने काफ़ी सारे टाइको टर्किश की ड्रेसेस परचेज करी हैं जो कि काफ़ी रीजनेबल प्राइस में है, और इसकी भी जीन्स काफ़ी रीजनेबल प्राइस में होती है, क्वालिटी वाइज नंबर वन होती हैं। इस जीन्स पर लिखा हुआ है प्लेलिस्ट और इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसमें पीछे आगे दोनों तरफ पॉकेट दिया गया है, मटेरियल स्ट्रेचेबल है, तो इस जीन्स को मैं देना चाहूँगी 10 out of 8। वाली जीन्स जो मैंने सेल में परचेज करी थी 6 to 9 की करी थी और इसका एग्जैक्ट प्राइस अभी चल रहा है 1000 something चल रहा है इसका प्राइस, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप सेल का वेट कर सकते हैं, सेल में ज़रूर ड्रॉप होगा बट अगर आपको पसंद आती है तो आप परचेज कर सकते हैं क्योंकि क्वालिटी वाइज ये जीन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। से सेकंड जीन्स परचेज करी है, इसका प्रिंट, इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मैंने इसको परचेज किया था इसके कलर की वजह से और जिसका ब्लॉक्स में जो पैटर्न दिया गया है वो काफ़ी यूनिक भी लग रहा था। आप देख सकते हैं जिसका ये ब्लॉक प्रिंट है ये काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल है और काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा है बाकी जीन्स से। नॉर्मल जीन्स तो सब पहनते हैं, कुछ डिफरेंट भी ट्राई करते रहना चाहिए। मैंने सारी जीन्स हाई वेस्ट में ही ऑर्डर करी है क्योंकि मुझे हाई वेस्ट जीन्स ज़्यादा पसंद आती है मिड और लो के बजाय, क्योंकि हाई वेस्ट में काफ़ी अच्छा शेप मिल जाता है आपको बॉडी का, अगर आप भी मेरी तरह थोड़ी सी चबी हैं तो। वाली जीन्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसका लुक काफ़ी अच्छा है, ये भी स्ट्रेट पैंट में ही है। वैसे इसका फ्रंट डिज़ाइन दिया गया है, इसमें काफ़ी अच्छी बटन लगी हुई है, पॉकेट्स भी इसके काफ़ी प्यारे हैं, बड़े बड़े पॉकेट्स हैं। मुझे जीन्स बड़े पॉकेट वाली पसंद आती क्योंकि मैं इजीली उसमें अपना फ़ोन कैरी कर सकती, मुझे अपना फ़ोन अपने हाथ में रखना या फिर अपने पॉकेट्स में ही रखना पसंद है क्योंकि अगर मैं बैग वैग में रखती तो मुझे बार बार याद गिर तो नहीं गया, कहीं खो तो नहीं गया, इसीलिए मैं फ़ोन अपना हाथ में या पॉकेट में कैरी करती हूँ। बट इसकी पॉकेट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो आप इसमें अपने फ़ोन और पर्स रख सकते हैं। एक छोटी सी पॉकेट भी दी गई है, अगर आप इसे वाइट टॉप के साथ, वाइट टी शर्ट के साथ या किसी के साथ भी पहनते हैं तो काफ़ी डिफरेंट लुक देगा आपको। अगर आपके पास काफ़ी सारी जीन्स हैं तो कुछ अलग डिफरेंट तरह की जीन्स होती है, नॉर्मल जीन्स पहनना काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाता है तो कुछ अलग जीन्स भी होनी चाहिए। ये वाली भी जो जीन्स है ये भी मैंने टाइको टर्किश की परचेज करी है क्योंकि सेल में जो टाइको टर्किश की जीन्स थी और टॉप्स थी और ड्रेसेस थी वो काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिली थी और काफ़ी ज़्यादा उसमें डिस्काउंट था, इसीलिए मैंने परचेज किया है। मैंने वैसे ध्यान नहीं दिया था परचेज करते वक्त कि मुझे इतने अच्छे प्राइस में जीन्स इसके मिल जाएगी। इसका जो साइज़ है वो 30 है, मैंने 30 साइज में मंगवाया था और उसकी फिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मटेरियल भी स्ट्रेचेबल है, आपको बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। समर्स का टाइम चल रहा है तो इस तरह की पैंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं और ये हल्की सी इस तरह की खुली खुली सी है तो आपके पैरों पे चिपकेगी नहीं और आपको काफ़ी अच्छा सा लुक देगी, आपकी हाइट को भी इंक्रीज करेगी। ये वाली जीन्स जो है ये मैंने सेल में 593 में परचेज करी थी, 593 समथिंग में, और इसका जो प्राइस अभी चल रहा है वो 881 चल रहा है। तो फर्स्ट ये वाली जीन्स मैंने परचेज करी थी, इसका मटेरियल क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी है, मैं इसे डिफरेंट होने की वजह से इसे 10 out of 9 दूंगी। जो मैंने थर्ड जीन्स परचेज करी है वो भी काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अलग स्टाइल में, मैंने आपको शुरू में ही बोला था जो भी मैंने जीन्स परचेज करी है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की परचेज करी है, मैंने कोई भी सिंपल नॉर्मल जीन्स पहनने के लिए परचेज नहीं करी है बट रीजनेबल प्राइस में भी है काफ़ी। ये वाली जो जीन्स है ये कुछ इस तरह की है, ये काफ़ी हैवी है, मुझे लगा नहीं था इतनी हैवी होगी। इसका जो ब्रांड है वो इस ब्रांड की मैंने जीन्स परचेज करी है, ये काफ़ी हैवी है और काफ़ी बैगी भी है, मुझे इस तरह की जीन्स काफ़ी अच्छी लगती है और मैं परचेज करना भी चाहती थी। मैंने इसे 30 साइज में ही मंगवाया है बट काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा ये लार्ज साइज में आ गया होगा बट नहीं, ये काफ़ी अच्छा साइज है, इस तरह का इसमें फ्रंट कट दिया गया है, मुझे जीन्स में इस तरह का ये जो कट चाहिए था क्योंकि ये आपकी लुक को एकदम डिफरेंट बना देती है। अगर आप कुछ ऐसा लुक चाहते हैं जो ज़्यादा रिवीलिंग भी ना हो, काफ़ी कंफर्टेबल भी हो और आप अच्छे से स्टाइल भी कर सकें, दूसरों से एकदम डिफरेंट भी दिखें, तो आप ये जीन्स परचेज कर सकते हैं, ये काफ़ी डिफरेंट लुक देगा आपको और काफ़ी मॉडर्न लुक भी देगा। इस तरह का इसमें लॉन्ग कट है और कट भी ज़्यादा ऊपर नहीं है कि आपको अनकंफर्टेबल हो, कट भी एकदम सही दिया गया है, परफेक्ट दिया गया है।
आपको इसके नीचे कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से ये पूरा कट है और ये भी स्ट्रेट पैंट में है, काफ़ी बैगी सी है, खुली खुली जीन्स है। इसका कलर भी मुझे, इसका जो ये प्रिंट है और ये जो कलर है डार्क ब्लू और डेनिम कलर समथिंग में, काफ़ी अच्छा है। ये वाली जो जीन्स है ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी स्ट्रेचेबल है, क्योंकि मैं जो पहले जीन्स परचेज करती थी वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती थी, काफ़ी ज़्यादा टाइट होती थी। या आप डेनिम में जीन्स परचेज करते हैं तो उठने बैठने में काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होता है, गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, टाइट भी हो जाती है। बट जो मैं जीन्स परचेज करती हूँ, मैं ध्यान में रखती हूँ कि मटेरियल उसका स्ट्रेचेबल हो। मैंने काफ़ी रिजनेबल प्राइस में ही मंगवाया था। ये वाली जो जीन्स है ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, सेल में भी काफ़ी थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी। ये वाली जो जीन्स है ये मैंने 873 में परचेज किया था सेल में जब चल रहा था। अभी इसका जो प्राइस चल रहा है वो 1172 में चल रहा है। इसमें आपको दो कलर्स मिल जाएंगे, एक तो पर्पल कलर है, पर्पल कलर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अगर आप पर्पल कलर की टॉप को व्हाइट जीन्स के साथ कैरी करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ पर्पल कलर का जो है, जो पर्पल कलर की जीन्स है वो कितनी प्यारी है। मैंने परचेज करते टाइम ध्यान नहीं दिया कि इसमें पर्पल कलर भी, वरना मैं पर्पल कलर ही मंगवाती, क्योंकि मेरा एम था इस वीडियो का, मेरा एम था कि मैं एकदम डिफरेंट जीन्स मंगवाऊंगी, काफ़ी फैशनेबल मंगवाऊंगी। तो बट कोई बात नहीं, मिस हो गया। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इन जो पर्पल कलर की जीन्स है उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाइट है, वो 1632 में है, लेकिन ब्लैक वाली जीन्स का प्राइस 1172 है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, मैंने इतना डिफरेंट नहीं देखा कि अलग अलग कलर में इतना ज़्यादा डिफरेंट हो। बट अब जो लास्ट जीन्स मैंने परचेज करी है वो है ब्लैक कलर की। मैंने सोचा अगर मैं जीन्स परचेज कर रही हूँ तो उसमें ब्लैक कलर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्लैक कलर की जीन्स तो होनी ही चाहिए, आप ब्लैक कलर की जीन्स तो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो हर किसी टॉप के साथ चल जाता है। अगर आप एक कम्फर्ट कलर चाहते हैं तो ब्लैक कलर ज़रूर आपके पास होना चाहिए। तो ब्लैक कलर वाली इसकी जो जीन्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, मुझे तो लगा नहीं था इतनी हैवी जीन्स भी आएंगी। काफ़ी ज़्यादा खुली खुली जीन्स है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आजकल इसी तरह का फैशन है। आजकल की जो जीन्स होती है काफ़ी बैगी होती है, टॉप आप क्रॉप टॉप पहन लें। जो हाई वेस्ट जीन्स में सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आप क्रॉप टॉप पहन लें ऊपर और नीचे नॉर्मल जीन्स, आपका लुक दूसरों से एकदम डिफरेंट हो जाता है। ये जो जीन्स है ये भी मैंने 30 साइज में ही मंगवाई थी। इसकी पॉकेट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, आप देख सकते हैं। इस स्टाइल की पॉकेट्स आपने किसी जीन्स में देखी नहीं होगी कि इस तरह की क्रिस क्रॉस में समथिंग में डिज़ाइन है। और जो इसका ये सिलाई भी है ये भी कुछ अलग डिफरेंट समथिंग ब्राउन कलर में है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है। फ्यूरियस इस पर लिखा हुआ है फास्ट एंड फ्यूरियस। पीछे पॉकेट्स हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन जो आगे वाली पॉकेट्स हैं वो छोटी छोटी हैं, कोई बात नहीं। और जो इसका नीचे का लेग है वो काफ़ी ज़्यादा खुला खुला सा है, ठीक है, अच्छा लगेगा। ये जीन्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, ये ब्लैक कलर में, ये प्योर ब्लैक कलर में नहीं है, समथिंग ब्लैक वाइट जो थोड़ा हल्का सा ब्लैक होता है डिफरेंट, वो वाला कलर है। ये भी मैंने सेल में ही मंगवाई थी, काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मुझे पड़ी थी। ये वाली जो जीन्स है ये मैंने 30 साइज में मंगवाई थी। इसका जो प्राइस था, जो इसका प्राइस सेल में चल रहा था वो 793 में चल रहा था, और जो इसका प्राइस अभी चल रहा है वो 1100 समथिंग में चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, इतने कम प्राइस में मैंने मंगवाया था, मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने रैंडमली देखा नहीं था कितने परसेंट डिस्काउंट है, बस मुझे प्राइस सही लगा था तो मैंने परचेज कर लिया था। बट अब मुझे पता चला है मैंने काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट में मैंने परचेज कर लिया। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और अगर आप अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे, उस कर दीजिए। बाय बाय।